हेलो गाइस, केम छो? मजा में मैं हूँ जाला प्रीति साहब, का स्वागत है टेक्निकल एंड मोटर्स की एक और नई वीडियो में। आज हम भाई एमजी हेक्टर 2023 का ड्राइव रिव्यू करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए भाई, अब बात करते हैं एमजी हेक्टर की 0 to 100 की। तो कितने सेकंड में? नॉर्मल मोड में है, डी में है, कुछ स्पोर्ट बोट वोट नहीं है इसके अंदर फिलहाल। तो उठने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है एंड जैसे ही चढ़ जाएगी काफ़ी कम समय में है वो 100 को अचीव कर देती है। एंड इसके ऊपर 100 पे ब्रेक लगाते हैं तो भी आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हो इसके अंदर दिया जाता है, तो आपको ट्रिपल डिजिट स्पीड में भी कोई दिक्कत है वो नहीं आने वाली। बट एक चीज़ इसके अंदर है कि आप जैसे फुल थ्रॉटल दे तो वो गाड़ी पहले सायर हो जाती है, आरपीएम ऊपर चले जाते हैं, बट स्पीड वो थोड़े टाइम के बाद गेन करती है। थोड़ा सा आपको इनिशियली लैगिंग मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपको 2000 आरपीएम के प्लस जाएगी गाड़ी, तब आपको अच्छा खासा पावर हो इसके अंदर फील होने वाला है। एंड इसका लो टॉर्क थोड़ा सा कम है, बट इसकी जो मिड रेंज एंड हाई रेंज है वो काफ़ी अच्छी है, आपको क्रूजिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको अपने सारे क्रूज कंट्रोल से सारे रिलेटेड कंट्रोल हो यहाँ पे दिए जाते हैं, या अपने सारे 14 इंच की जो बड़ी सी स्क्रीन आती है उसके से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इको मोड हो गया यहाँ से, एंड यहाँ पे अपने हो गए स्पोर्ट मोड हो गया। तो एंड यहाँ पे अपने पेडल शिफ्टर वो डेफिनेटली मैं मिस करता हूँ, बट यहाँ पे आपको मैन्युअली है, आपको गियर बॉक्स से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे अपना हो गया स्पोर्ट्स मोड हो गया। स्पोर्ट्स मोड में बेसिकली क्या होता है कि आपके जो एक ही गियर में ना गाड़ी आरपीएम खींचती है, बस ऐसा ही होता है। कुछ पावर वाइज देखे तो कुछ मेजर चेंज नहीं आता, और देखेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंजन सिर्फ नॉइज ही करता है, पुश उतना ज़्यादा नहीं कर पाता जितना नॉइज ये इंजन करता है। एंड जैसे इसकी मेनली एमजी एक्टर की हैंडलिंग ही सबसे ज़्यादा अच्छी है इन सेगमेंट में। देखे हैरियर देख लीजिए या क्रेटा बेटा देख लीजिए इसके सामने, तो यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा इंजन पे कुछ रिलायबल नहीं है। आपको ट्रिपल डिजिट स्पीड पे इसकी स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ही इसके ज़्यादा फेवर में चाहती है। और जैसे जैसे फिलहाल ये बम्प आ रहा है तो देखिएगा, मैं थोड़ा सा स्पीड में भी लेता हूँ तो कुछ दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे देखे मैंने ऑटोमेटिक इसके जो टर्न इंडिकेटर से वो ऑन हो जाते, पर अभी ये वाला जो फीचर है वो एक गिमिक है, क्योंकि अगर आपको मोड़ना है तो भाई आपको 2-3 मिनट पहले ही आपको टर्न इंडिकेटर वो देने होते हैं। तो अगर आप ये भूल जाए कि टर्न इंडिकेटर आपको देने हैं, तो अभी फिलहाल मैंने भूल गया था, उस टाइम पर ये है फीचर आपको अच्छा खासा यूजफुल होता है। एंड इसके अंदर आपको एडेस आता है, 11 एडेस के रिलेटेड आपको फीचर्स वो इसके अंदर आते हैं, बट ये वाला वेरिएंट है उसमें आपको एडेस नहीं है, शार्प सीवीटी है। तो इसमें आपको इससे शार्प सीवीटी प्रो लोगे तो उसके अंदर आपको एडेस दिए जाता है। एंड आपको डीजल में कोई आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आता, एंड ये पेट्रोल गाड़ी में फिलहाल चला रहा हूँ, तो आपको 148 bhp की पावर एंड 250 nm का टॉर्क है आपको पेट्रोल में दिए जाता है। एंड ये जो CVT है काफ़ी अच्छी तरीके से आपको पावर है डिलीवर करता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाले। एंड ओवरऑल आप इसे माइलेज पे देखें तो आपको उतना खर्च माइलेज हो उपलब्ध नहीं होता। आपको CVT में समझ लीजिए 10-12 की आपको हाईवे पे होगी माइलेज, एंड सिटी में आप वही 8-9 लगा लीजिए, उससे ज़्यादा आपको इसके अंदर माइलेज हो नहीं आती। मैं शोरूम से निकला हूँ तो यहाँ पे 80 की रेंज थी, बट अभी 74 हो गई है, तो समझ लीजिए कि इस हिसाब को आपको एवरेज हो मिल रही है। यहाँ इसके जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है थोड़ा सा आपको दिन में है देखने में दिक्कत होगी, बट अगर आप इसे रात में देखोगे या आपको थोड़ा सा लो डिम वाली लाइट हो जाएगी तब आपको काफ़ी अच्छे चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं। एडेस वाली फीचर्स आते हैं वो आपको सेम यही स्क्रीन पे दिए जाते हैं, तो आपको देखने में कोई वैसा दिक्कत नहीं है, बट आपको बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो आपको देखने में रीड करने में जो स्पीडोमीटर है उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आसपास की जो चीज़ें हो थोड़ी सी आपको डल लगेगी। एंड ये जो स्टेयरिंग व्हील आप ऊपर नीचे एंड टेलीस्कोपिक दोनों वे में एडजस्ट कर सकते हैं, और ऐसा कुछ इसका पूरा हॉर्न आता है, पूरा आपको लेदर स्टेयरिंग व्हील हो गया अपना, और
जैसे कि मैंने आगे भी बताया कि आपको 14 इंच की सबसे बड़ी सेगमेंट की स्क्रीन हो आती है, एंड इसके अंदर आपको जो 360 व्यू कैमरा है वो आप लो स्पीड पे जैसे चलोगे तब ये इनेबल हो जाएगा, और हाई स्पीड पे जैसे ही चलोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा क्योंकि आपका पूरा ध्यान है वो आगे की तरफ फिर गए। इसके अंदर आपको 5.8 mm का टर्निंग रेडियस दिया जाता है जो अच्छा खासा आपको मिलेगा। आपको हेयर एयर में इससे थोड़ा कम 5.7 mm का आपको टर्निंग रेडियस दिया जाता है, बट आपको गाड़ी मनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं आती। इसका जो बोनेट व्यू आपको एज टू एज नहीं दिखता, बट हाँ आपको बोनेट दिखने के लिए दिखता है, पर आप एकदम एक्यूरेट नहीं कह सकते कि आपका जो एज है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वैसी वाली चीज़ें। आप जैसे ही इसे हाई स्पीड पे लेके चलते हो ना तो इसके अंदर आपको अलग ही कॉन्फिडेंस वो मिलता है, आपको कोई ऐसा फील नहीं होगा कि आपको गाड़ी आपके साथ नहीं चल रही, आपको गाड़ी है वो हाईवे पे चिपक के चलती है, एंड कटिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। 2000 RPM के बाद अगर ये गाड़ी ऊपर चली जाए तो आपको पावर में कोई लैग हो नहीं मिलता, बट जैसे ही इसके जो RPM हो 2000 से कम हो जाते हैं तो गाड़ी को पावर गिरने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बस यही एक दिक्कत है इसके अंदर एक्टर में कि आपको 2000 RPM के नीचे नीचे थोड़ा सा पावर और लैग ही मिलेगा। बाकी तो विजिबिलिटी वाइज इसके अल्गोनॉमिक्स देखे तो सारी चीज़ आपके अपने ड्राइवर के नज़दीकी आपको कोई दिक्कत नहीं आती एज अ नॉर्मल डे में देखे, और ऐसे कोई भी फीचर नहीं है कि आपको ऑड लगे कि भाई ये चीज़ें वो यहाँ पे हो सकती थी। एंड यहाँ पे देखिए तो डैशबोर्ड की इल्यूमिनेशन है, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हेडलाइट के सारे कंट्रोल यहाँ पे हो गए, एंड यहाँ पे अपने टर्न इंडिकेटर्स हो गए, एंड यहाँ पे जो इसका जो IRVM है वो भी काफ़ी अच्छा ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे दिए जाए तो काफ़ी बड़े साइज में है, तो आपको पीछे का जो व्यू है उसे देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके जो ORVM है वो भी अच्छे है, आपको पीछे का व्यू एकदम तो एक्यूरेट मिलेगा, और इसके ADAS वाले फीचर्स में तो क्या आया था कि आपको ट्रैफिक एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, और इसके अंदर सेगमेंट का फर्स्ट ये चीज़ है कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो, सिर्फ और सिर्फ 5 की स्पीड होगी तब भी इनेबल कर सकते हैं, वरना तो XUV700 में क्या होता है कि 60 के ऊपर जाके आपका जो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो इनेबल हो पाता है। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ आपको ट्रैफिक बैफिक में भी आप पीछे कोई भी गाड़ी के पीछे आप एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लगा दीजिए, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक चलेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। एंड यहाँ पे ड्राइवर एंड को ड्राइवर की जो सीट है आपको वेंटिलेटेड मिलेगी आपको, एंड हीटेड नहीं आती इसकी सीट, आपको सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटेड ही आपको सीट है वो दी जाती है। यहाँ पे हो गई अपनी पार्किंग ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पे दी जाती है, एंड इसके अंदर आपको 6 एयरबैग हो गए, ABS CVD, ऐसे सारे आपको स्टैंडर्ड फीचर्स आपको उपलब्ध होते हैं। आपको इसके अंदर 4 स्पीकर, 4 ट्विटर्स एंड 1 सबवूफर दिए जाते हैं। इसका जो ओवरऑल साउंड आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा मिलता है आपको, वैसे साउंड में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको साउंड टेस्ट अगर देखना हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे देख के, या मैं क्योंकि यूट्यूब पे तो कॉपीराइट आ जाएगा तो इंस्टाग्राम पे ही आप देखिएगा कि इसका साउंड टेस्ट आपको देखना हो तो। एंड पूरा इसका जो डैशबोर्ड व्यू है वो पुरानी जो हेक्टर आती थी तो काफ़ी आउटडेटेड लगता था, बट अभी काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग एंड रिच फील होता है। यहाँ पे ऊपर भी देखे तो आपको अच्छा खासा सॉफ्ट टच मटेरियल हो गया, को ड्राइवर साइड भी देखे तो आपको सारी जगह पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स वो दिए जाते, तो आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती कि यहाँ पर आपको एक सॉफ्ट टच मटेरियल होता तो अच्छी बात है। सारी जगह पर अच्छा खासा आपको क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हो यूज़ किया गया, इस प्राइस पे देखे तो कोई सी भी गाड़ी हो आपको इतना अच्छी तरीके से ना पूरे मटेरियल्स कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होते। हेरियर बेरियर पे देखे तो इसके जो इंटीरियर से उतना आपको अप टू द मार्क नहीं उपलब्ध होते, और आपको ट्रैफिक में जैसे ही स्लो डाउन करोगे तो उतना इसे पिकअप करवाने में उतना आपको है थोड़ा सा। यहाँ पे देखे कि जब तक 2000 RPM पे नहीं चढ़ेगी तब तक आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा जितना आप अनन्या पांडे वाला, तो वही वाली चीज़ है कि आपको 2000 RPM के ऊपर अगर आप ये गाड़ी लेते हो ना तो मज़ा आएगा। और इसके व्हील स्पिन मारना है तो आपको पहले तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना पड़ेगा, एंड डी मैनुअल में डाल के आपको पहला या दूसरे गियर में फुल थ्रोटल दोगे उसके बाद ही इसके जो पूरे के पूरे व्हील स्पिन है वो होते हैं। एंड यहाँ पे देखें इस तरह से हम इसे उबड़ खाबड़ जगह पर चलाए तो भी जो अंदर है वो आवाज़ कुछ नहीं आती, अंदर बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा आप खराब रास्तों पे हो चल रहे हैं।
बट इसका जो ऑटोमेटिक टर्न इंडिकेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब सेंसिटिव है, जैसे 90 डिग्री घुमाओगे तो ऑटोमेटिक इसके जो टर्न इंडिकेटर्स वो ऑन हो जाते हैं। तो भाई आज का वीडियो हम यही तक रखते हैं एंड बात थी कंक्लूजन की। तो MG एक तो पेट्रोल है, वो मतलब चलाने में आपको इतना खासा मतलब एक्साइट नहीं करने वाली, अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे देखें तो सेल्टोस एंड ग्रेटा हो गई, और आप अल्काज़र भी देखे एंड एक्चुअली 700 देखिए, जो मेन एक कंपेटिटर है इस हेक्टर का, तो उसकी जो पेट्रोल ड्राइव है बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चली जाते हैं। एंड ये कहीं पर भी आपको है उतना पसंद नहीं करती XUV 700 की तरह। इसके अंदर आपको ऑफकोर्स CVT मिलता है, कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन जो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, आपको 1.5 लीटर टर्बो इंजन से अच्छी खासी पावर वो निकाल के देता है, बट आपको उतना भी प्रॉमिसिंग इसके अंदर पावर नहीं दी जाए तो। और सेम टाइम अगर आप कहते हो कि भाई गाड़ी पावर नहीं देती तो एवरेज कितना देती, तो भाई एवरेज में भी आपको है थोड़ा सा लैग करेगी ये गाड़ी, आपको 10-12 की ही रियल लाइफ माइलेज मिलती है, उससे ज़्यादा आपको इसके अंदर माइलेज हो उपलब्ध नहीं होती। तो यही था एक इसका कंक्लूजन कहे, और इसके ओवरऑल देखे बिल्ड क्वालिटी देखे, इस सारी चीज़ों पे ही हेक्टर हो बेची जाती है। इनके आप देखे सीट देखे, ओवरऑल इसकी जो ड्राइवेबिलिटी है, हैंडलिंग है वो काफ़ी अच्छी, इसके जो आप स्टेयरिंग रिस्पॉन्स देखो वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, हेरियर पे देखे एंड XUV 700 पे देखे वो सारी चीज़ें इसके फेर में चलती है, बट इसका जो लैगी इंजन है, जो इसका नेचर है, उसके वजह से कहीं ना कंपटीशन में पीछे रह जाती है। तो इसकी वजह से मैं आपको अगर एक एंथुसियास्ट के परस्पेक्टिव से देखे तो ये गाड़ी आपको मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। आप यहाँ पे XUV 700 वो आप डेफिनेटली जा सकते हैं पेट्रोल में, अगर आपको इतने प्राइस पे जाना है तो X5 लग्जरी आपको XUV 700 आ जाती है। तो अगर आपको इसका पूरा इनडेप्थ एक्सटीरियर इंटीरियर सारी चीज़ें आपको देखनी है तो यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।